नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ऋषि और आप मुझे देख रहे हैं इन 24। देखते रहिए, मजा कीजिए। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं गणेश आचार्य, आप देख रहे हैं INN24। प्लीज वॉच एंड एंजॉय। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर और आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। और नागपुर में यमुना ट्रॉफी का आगाज, CGST को मात देकर IAS टीम का ट्रॉफी पर कब्जा। पूर्वी दिल्ली में यमुना ट्रॉफी के ऑफिसर कप के फाइनल में IAS की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए CGST को हराकर यमुना ट्रॉफी के ऑफिसर कप अपने नाम कर लिया है। अक्षरधाम में DDA के कॉमनवेल्थ गेम विलेज में दोनों टीमों के बीच शानदार रोमांचक मैच हुआ। समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए गत 3 वर्षों की तरह इस वर्ष भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यमुना ट्रॉफी का शुभारम्भ किया गया। यमुना ट्रॉफी का आयोजन इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, हंस फाउंडेशन तथा IDHC सोसाइटी और यमुना ट्रॉफी मैनेजमेंट कमेटी द्वारा किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, इनफैक्ट पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा खेला। हम पिछले 3 मैचेस से ही अपना पूरी तैयारी और अपना वो कर रहे हैं, ठीक से बॉलिंग बैटिंग और फील्डिंग पे काम कर रहे हैं। बट आज नया ग्राउंड था, ग्राउंड थोड़ा डिफिकल्ट था बिकॉज थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, बट आर बॉलर्स स्टक टू देयर टास्क। बहुत अच्छी बॉलिंग की, हमने उनको रिस्ट्रिक्ट किया 100 के आसपास, और 5 का चेजिंग रेट फॉर आर बैटिंग लाइनअप इज एक्चुअली यू नो नथिंग, क्योंकि हमारे टीम में नॉर्मली ऑलराउंडर्स और बैट्समैन ही है, तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। बट माई बेस्ट विशेज टू CGST टीम, दे प्लेड वेल, बट सम टीम हैज टू वन, सो आई थिंक इट वॉज अ गुड गेम। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मैं कहूँगा। इनफैक्ट ये यमुना ट्रॉफी जो है, एक तो देखिए दिल्ली की लाइफ लाइन है यमुना, और जितने भी एफर्ट किए जाए यमुना की प्योरिफिकेशन के लिए और उसे अच्छा बनाने के लिए, वो कम है। फाइनल में हमारा IAS एसोसिएशन से मैच था और ये मैच काफ़ी महत्वपूर्ण फाइनल मैच था, बट चूँकि टॉस हारे हम, तो सुबह सुबह जो पिच में गीला था उसका भी लॉस हुआ, और बाद में पिच अच्छी खेल रही थी, बट दे प्लेड वेल। और ये एक सबसे बड़ी बात है, हम मुंबई से इसलिए आए कि पर्यावरण की सजगता को लेकर इन्होंने जो आंदोलन चलाया है और सभी को एक मंच पे खड़ा किया है, न्यायपालिका से, प्रशासन से, मनोरंजन से, मीडिया से, तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इससे पर्यावरण का संदेश जाएगा। आशा करता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे आयोजन हो और सभी को एक मंच पे लाने का इनका प्रयास है वो सफल। आइए एक नज़र डालते हैं देश की सराफा बाजार पर। आइए देखते हैं देश के चुनिंदा शहरों के मौसम के मिजाज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 YouTube, Facebook और Twitter पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉगिन करें www.INN24news.in। नमस्कार।